नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेके चलेंगे पहाड़ों में एक खूबसूरत सफर पर। जी हाँ, अगर बात हो रही हो पहाड़ों की तो सबसे पहले हमारे जहन में जो ख्याल आता है वो उत्तराखंड या हिमाचल का होता है। तो आज हम आपको लेके चलेंगे हिमाचल प्रदेश के एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन पर। अगर आप सोच रहे हैं शिमला या मनाली तो बिल्कुल नहीं, आज हम आपको लेके चलेंगे एक ऐसे हिल स्टेशन पर जो लोगों के बीच में बहुत ही कम पॉपुलर है लेकिन नेचुरल ब्यूटी के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और हम बात कर रहे हैं चायल की। जी हाँ दोस्तों, आपने शायद नाम पहली बार सुना होगा लेकिन अभी आप जान जाएंगे कि चायल है कहाँ और कौन कौन सी जगह यहाँ पर देखने वाली हैं, क्या टूर प्लान रहेगा, क्या टूर बजट रहेगा, कितने दिनों की ट्रिप होने वाली है और क्या खर्चा हो सकता है। सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों, चायल हिमाचल प्रदेश में स्थित एक छोटा सा हिल स्टेशन है लेकिन प्राकृतिक नज़ारों से भरपूर है। अगर इसके लोकेशन की बात करें तो ये हिमाचल की राजधानी शिमला से महज 44 किलोमीटर के फासले पर है। वहीं अगर आप सोलन से आते हैं तो सोलन से ये 45 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। और ये जो हिल स्टेशन है चायल, इसको बसाने का श्रेय जाता है महाराजा ऑफ पटियाला राजेंद्र सिंह जी को। और उसका रीजन ये था कि उस टाइम जो इंडिया के वायसराय थे वो थे लॉर्ड किचनर, और लॉर्ड किचनर की बेटी से प्यार हो गया था राजेंद्र सिंह जी को, तो इसीलिए राजेंद्र सिंह जी को ब्रिटिशर्स ने शिमला में एंटर करने से रोक दिया था। तो उन्होंने फिर क्या किया कि चायल में अपना रेजिडेंस बनाया और वहीं पर रहने लगे। तो ये कुछ हिस्ट्री है चायल की। तो चलिए अब बात करते हैं कि चायल आप कैसे पहुंच सकते हैं। चायल पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले शिमला आना होगा, और शिमला जब आप आएंगे तो शिमला से आपको टैक्सी और बसेस दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप जिससे जाएं उससे जा सकते हैं। अगर बस की बात करूं मैं तो बस आपको मिलेगी शिमला में लक्कड़ बाजार से, और लक्कड़ बाजार से 3-4 बसें चलती हैं। इसके अलावा शिमला ओल्ड बस स्टैंड से भी एक बस चलती है मॉर्निंग में 8 बजे, तो आप उससे भी जा सकते हैं। और जो शिमला से चायल की डिस्टेंस वो लगभग 45 किलोमीटर है, और बस का जो फेयर है वो 120 रुपये पड़ेगा आपका। और अगर आप बाई टैक्सी जाते हैं शिमला से चायल तो आपके करीब 2500 रुपये खर्च हो जाएंगे। दोस्तों, चायल जितना खूबसूरत है उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है शिमला से चायल का रास्ता। जी हाँ, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी, ये वाली लाइन यहाँ पर एकदम सटीक बैठती है। और ये जो रास्ता है शिमला से चायल, यहीं पर इस गाने की शूटिंग हुई थी, बहती हवा सा था वो, जो 3 इडियट्स मूवी में आपने सुना होगा। इसके अलावा अगर आप शिमला नहीं आना चाहते हैं और आपको चायल जाना है तो दिल्ली में कश्मीरी गेट बस स्टैंड से आपको बहुत सारी बसेस मिल जाएंगी जो शिमला जा रही होंगी, तो उसमें आपको बैठना है और आपको आ जाना है शिमला की तरफ। और शिमला पहुंचने से पहले ही आपको एक जगह मिलेगी कंडा घाट, वहाँ कंडा घाट पर आपको उतर जाना है, और कंडा घाट से आपको बसेस मिल जाएंगी इजीली चायल के लिए, तो आप वहाँ से आसानी से पहुँच सकते हैं। और कंडा घाट से जो चायल का किराया है बस का वो करीब 50 रुपये है, तो आप बड़े आसानी से चायल पहुँच जाएंगे। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो आपको कालका से शिमला वाली टॉय ट्रेन पकड़नी होगी, और आपको कंडा घाट उतरना होगा, और वहाँ से फिर आपको सेम प्रोसेस अपनाना होगा, तो इस तरह से आप चायल पहुँच जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप चायल पहुंच जाएंगे तो आप स्टे कहां करेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत होती है जब हम किसी अनजान जगह पर जाते हैं या किसी अननोन हिल स्टेशन पर जाते हैं, तो वहां पर स्टे ढूंढने में थोड़ी समस्या होती है, लेकिन चायल वैसा बिल्कुल नहीं है। आपको यहां पर स्टे करने के लिए हर तरह के होटल मिल जाएंगे, हर बजट के होटल मिल जाएंगे। यहां पर जो होटल्स की शुरुआत है वो करीब 700-800 रुपये से हो जाती है, लेकिन मैं आपको यहां पर रिकमेंड करूंगा एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही शानदार होटल जिसका नाम है होटल ग्रैंड सनसेट। और ये होटल आपको चायल मार्केट से महज 1 किलोमीटर के फासले पर है, तो आप यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। और यहाँ से आपको जो है पहाड़ों का व्यू, और साथ ही साथ जो देवदार के पेड़ हैं उनका व्यू, और इसका नाम जो है ग्रैंड सनसेट, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं सनसेट का बहुत ही शानदार व्यू आपको देखने को मिलेगा। और ये जो होटल ग्रैंड सनसेट है, यहाँ का सिटिंग रूम, लॉबी, टेरेस व्यू, और यहाँ पर आपको हर तरह के रूम मिल जाएंगे, प्रीमियम, सुपर प्रीमियम, डीलक्स रूम, फैमिली रूम, हर चीज़ मिल जाएगा आपको। लेकिन यहाँ का बजट थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आपको उस बजट में बहुत ही अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो यहाँ की जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी वो मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप वहाँ से कॉन्टैक्ट करके रूम बुक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप बात करते हैं कि चायल में आप किन किन टूरिस्ट प्लेसेस को विजिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चायल पैलेस की। जी हाँ, तो चायल पैलेस चायल में स्थित एक बहुत ही राजसी महल है जो यहाँ पर लोग देखने आते हैं। और ये बनवाया गया था महाराजा ऑफ पटियाला राजेंद्र सिंह द्वारा 1891 में, और यहीं पर शूटिंग हुई थी 3 इडियट्स मूवी की। 3 इडियट्स मूवी में जो रणछोड़ दास का घर दिखाया गया है वो यही है चायल पैलेस। यहीं पर रणछोड़ दास के घर को प्रदर्शित किया गया है मूवी में। यहाँ पर आपको बाहर एक गार्डन देखने को मिल जाएगा, पार्क देखने को मिल जाएगा, और अंदर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड, महाराजा ऑफ पटियाला से रिलेटेड
रिलेटेड अंग्रेजों के जमाने की बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर आप हिस्ट्री में दिलचस्पी रखते हैं तो ये जगह आपके लिए बेहद खास होने वाली है। दूसरी जगह की बात करें तो वो है चायल क्रिकेट ग्राउंड। दोस्तों, चायल क्रिकेट ग्राउंड दुनिया में जितने भी क्रिकेट ग्राउंड हैं उनमें सबसे ज्यादा हाइट पर है और इसे हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड इन द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये जो क्रिकेट ग्राउंड है ये वर्तमान टाइम में एक पोलो ग्राउंड के रूप में तब्दील कर दिया गया है और ये इंडियन मिलिट्री के अंडर में आता है, तो जो टूरिस्ट है उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं होती है, लेकिन बाहर से आप इस ग्राउंड को देख सकते हैं। बहुत ही बड़ा ग्राउंड है ये, तो आप इसको भी यहाँ देख सकते हैं। अगले प्लेस पर आते हैं, वो है यहाँ का मोस्ट फेमस द काली टिब्बा मंदिर। तो काली टिब्बा मंदिर आप देखने जरूर जाएं अगर आप चायल आ रहे हैं तो। तो जो चायल है, चायल के मॉल रोड से ये करीब 4 से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और यहाँ पर आप जा सकते हैं और मैं रिकमेंड करूँगा, ये आपके लिए मस्ट विजिट प्लेस है चायल में। यहाँ पर आपको जाने के लिए बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी, लेकिन जब आप टॉप पर पहुँचेंगे तो आपका सीढ़ियाँ चढ़ना सफल हो जाएगा। बहुत ही शानदार व्यू आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, पूरी हिमालय रेंजेस आपको देखने को मिलेंगी और स्पेशली जो शिवालिक रेंजेस हैं उनका तो बहुत ही शानदार लुक आपको यहाँ से मिलेगा। अगली चीज पर आते हैं, वो है चायल का मॉल रोड। दोस्तों, आप किसी भी हिल स्टेशन पर जाएं, चाहे शिमला हो, मनाली हो, लद्दाख हो या कोई और हिल स्टेशन हो, तो आपको वहाँ का मॉल रोड जरूर विजिट करना चाहिए, क्योंकि मॉल रोड ही किसी हिल स्टेशन की खास पहचान होता है। वहाँ पर आपको वहाँ की संस्कृति से जुड़ी चीजें देखने को मिलती हैं और आपको वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो भी मिलते हैं, तो आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, वहाँ का एक एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं कि यहाँ का कैसा रहन सहन है, और ये चीजें आपको ट्रैवलिंग में जरूर करनी चाहिए। तो मॉल रोड आप चायल का जरूर देखें, यहाँ पर आपको शॉपिंग के लिए कपड़े की बहुत सारी दुकानें, पहाड़ी टोपी, पहाड़ी ड्रेसेस, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, तो इन चीजों को आप जरूर ट्राई करें। और खाने के भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, कुछ पहाड़ी पकवान भी आप यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। अगली जगह पर आते हैं तो वो है साधु पुल। जब आप सोलन से चायल वाले रास्ते पर जा रहे होंगे तो रास्ते में आपको एक छोटा सा गांव मिलेगा जिसका नाम है साधु पुल, और साधु पुल ट्रेकर्स और हाइकर्स के लिए बहुत ही शानदार जगह है। अगर आप ट्रेकिंग या हाइकिंग के शौकीन हैं तो साधु पुल में कम से कम एक दिन बिताना तो जरूर बनता है। यहाँ पर आपको रिवर साइड कैंप्स भी मिल जाएंगे, आप उसमें भी एक रात जरूर गुजारिए, साथ ही साथ यहाँ पर आपको अश्विनी नदी बहती हुई मिलेगी। चलिए दोस्तों, आप बात करते हैं कि चायल आपको कब जाना चाहिए, कितने दिनों के लिए जाना चाहिए और इसमें कुल कितना खर्चा होने वाला है। दोस्तों, चायल आप कभी भी जा सकते हैं। अगर आप चायल सर्दियों में जाते हैं तब आपको स्नोफॉल देखने को मिलेगी, और अगर आप गर्मियों में जाते हैं तब आपको बहुत ही सुहाना मौसम देखने को मिलेगा, और अगर आप मानसून में जाते हैं तो चारों तरफ हरियाली ही हरियाली आपको देखने को मिलेगी। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन आपको रहेगा कि आप गर्मियों में यहाँ जाइए, बहुत बेटर चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन वो पीक सीजन रहेगा। वहीं पर अगर आप विंटर्स में जाते हैं तो यहाँ पर ऑफ सीजन रहता है, उतने ज़्यादा टूरिस्ट नहीं होते हैं, तो इसलिए सारी चीज़ें आपको सस्ती मिल जाएंगी और आपकी ट्रिप कम बजट में हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं कि चायल की ट्रिप कितने दिनों की बनानी चाहिए। दोस्तों, चायल घूमने के लिए 2 दिन आपके पास सफिशियंट हैं। अगर आपके पास 2 दिन है तो आप 2 दिन में चायल बहुत अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। और अगर चायल घूमने में खर्चे की बात करें तो चायल घूमने में जो खर्चा है, अगर आप फूड की बात करें तो फूड में यहाँ 2 दिन का खर्चा आपका करीब 800 से 1000 रुपये हो जाएगा। वहीं अगर आप लोकल ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो लोकल ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा आपका करीब 500 रुपये हो जाएगा। और अगर इसके अलावा आप होटल के चार्जेस की बात करें तो होटल के चार्जेस आपके 2 दिन के करीब 1500 रुपये हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका जो टोटल खर्चा होगा वो करीब 3000 रुपये के आसपास हो जाएगा, और ये 3000 रुपये में आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे एक नई यात्रा पे एक नए सफर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।